यूपी में बाबा की पुलिस का खौफ अपराधियों के बीच देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि शाहजहांपुर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लंगड़ा ऑपरेशन के तहत गैंगस्टर एक्ट में वांछित 5 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, 5 शातिरों ने कभी जुर्म ना करने की कसम भी खाई। शाहजहांपुर में अपराधियों के बीच पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा खौफ की वजह से बनने लगा। इसी के चलते शाहजहांपुर में गैंगस्टर में निरुद्ध 5 अपराधियों ने हाथों में तख्ती लेकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने कभी भी अपराध ना करने की कसम भी खाई। दरअसल थाना खुटार क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी, जिसके चलते पुलिस ने 5 अपराधियों को गैंगस्टर के धाराओं में निरुद्ध किया था। पुलिस इनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। अपराधियों को डर था कि कहीं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन पर भी कार्यवाही ना हो जाए, जिसके चलते वह हाथों में तख्तियां लेकर थाने पहुंचे और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने कभी भी अपराध ना करने की तौबा की और बकायदा कसम भी खाई। आज थाना खुटार के ग्राम मैनिया से कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर कसम खाई गई कि हम अवैध शराब का निष्कर्षण का धंधा हम छोड़ देंगे। ये मैनिया गांव इसके लिए कुख्यात था कि यहाँ पर ये धंधा बहुत समय से चलता था और पुलिस के साथ मुजामत भी इन लोगों ने की थी। इनमें से 4 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके इनकी परिसंपत्तियाँ भी कुर्क की गई थी। आज ये थाने पर आकर इन्होंने कहा कि नहीं, वर्तमान जो सरकार है इसमें बिल्कुल अपराध के खिलाफ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो इसलिए हम भी अपराध छोड़ते हैं और सही रास्ते पर हम चलेंगे। एसओ खुटार के द्वारा इनसे ये भी कहा गया है कि यदि गांव में अन्य व्यक्ति भी ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बारे में भी उनका भी सुधार करें वो, और यदि प्रशासन की ओर से उनके रिहैबिलिटेशन में या कुछ और किसी और उसके लिए आवश्यकता हो तो हम लोग तक। फिलहाल पुलिस ने कड़ी चेतावनी देते हुए सभी को छोड़ दिया और उन पर निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शाहजहांपुर से सज्जन सागर की रिपोर्ट।